हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है जब हमारा ओवुलेशन हो चुका होता है, हम पूरे महीने इंतजार कर रहे होते हैं और इंतजार करते हैं कि कब प्रेगनेंसी का टेस्ट करें। तो क्यों ना कुछ ऐसी बात हमें पता चले ऑथेंटिक, जिससे हम जान सकें कि टेस्ट करने से पहले, यूरिन या ब्लड टेस्ट करने से पहले हम जान सके कि हमें कंसीव हुआ है या नहीं, हम प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं। इसके लिए बहुत ही ऑथेंटिक, साइंटिफिक और डॉक्टरों द्वारा बताई गई बात जो कि होती है, हर एक महिला के शरीर में होती है, उसको आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या डिस्चार्ज आता है जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमको प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं। बहुत लोगों को ऐसा डिस्चार्ज आने पे थोड़ा सा डर भी लगता है कि भाई मुझे डिस्चार्ज क्यों आ रहा है, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई हूं मुझे डिस्चार्ज क्यों आ रहा है, क्या ये होना सही है या फिर नहीं है। तो ये भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा। आइए वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जैसे ही गर्भधारण होता है, गर्भाशय में जो भ्रूण बना है वो प्लांट होता है, तो पहले 3 महीने बहुत रैपिड पेस से उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, तो जब रैपिड पेस से डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान ब्लड का सर्कुलेशन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। और जब सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है तो कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल मिल्की कलर में वहां से सर्विक्स से डिस्चार्ज होती हैं, सर्कुलेशन के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आप मान लीजिए। बहुत ज्यादा सर्कुलेशन होगा भ्रूण को जल्दी जल्दी आगे डेवलपमेंट होने के लिए, तो कुछ डिस्चार्ज हमारे सर्विक्स से, बच्चेदानी के मुंह से हमारे वजाइना में रिलीज होगा। अब वो डिस्चार्ज कैसा होता है? दूध जैसा हो सकता है, बिल्कुल व्हाइट मिल्की मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है, थोड़ा सा स्टिकी होगा, लेकिन वो हमेशा की तरह उसमें किसी तरह का ऑर्डर नहीं होगा, फॉल्स स्मेल इतनी नहीं होगी जैसा कि दूसरे रीजन की वजह से, दूसरे रीजन से जो व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं महिलाओं को, वैसा कोई स्मेल उसके अंदर नहीं होगा। एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, उसके अंदर स्मेल नहीं होगा। इसी से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो किसी इन्फेक्शन या डिसऑर्डर की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज होता है और प्रेगनेंसी रोकने का जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें सिर्फ एक ये बहुत अच्छा फर्क है कि उसमें बदबू नहीं होती है। जैसे ही बच्चा गर्भ में रोपित होता है तो प्रोजेस्ट्रोन का लेवल भी हाई हो जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको अपने वीडियोस में कि जैसे ही बच्चा आरोपित होता है तो पूरे 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसके विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, डिस्चार्ज का भी लेवल बढ़ने लगता है। तो कितना आसान है कि आप जान सकती हैं टेस्ट करने से पहले ही, ये प्रेगनेंसी के पहले दूसरे हफ्ते में आपको मालूम चलता है बिफोर टेस्टिंग कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आगे की बात है ये कि बेबी का वेट जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारे डिस्चार्ज में भी कुछ इंक्रीज होने लग जाता है। ये भी एक रीजन होता है प्रेगनेंसी के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज का। लेकिन इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते में, पहले दूसरे हफ्ते में डिस्चार्ज होने का एक ये भी रीजन है कि हमारी सर्विक्स को, हमारी वजाइना को इन्फेक्शन से बचाना, क्योंकि अगर ड्राई होगा तो इन्फेक्शन का खतरा रहेगा और वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है यूट्रस तक। तो उस समय सर्विक्स से, ये बच्चेदानी से डिस्चार्ज नहीं आता है, ये सर्विक्स से आता है। तो सर्विक्स की जो सेल्स हैं वो उसको रिलीज करती है ताकि वजाइना वेट रहे और बिल्कुल चेक हो जाए, जो भी इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़े वो वहां पे चेक हो जाए, डिस्चार्ज के साथ रिलीज हो जाए। तो आपके गर्भ को संक्रमण से बचाने के लिए भी ये डिस्चार्ज बहुत ही यूजफुल होता है। और ये बिल्कुल व्हाइट होता है, मिल्की होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने डिस्चार्ज को समझ के जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं। उम्मीद करती हूं कि ये चीज, ये जानकारी आपको काफी हद तक आपके डर को दूर करने में, आपकी क्यूरोसिटी को शांत करने में आपकी मदद करेगी। इसी तरह से नए नए टॉपिक पे अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।